जी तो नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के करीब सहरा के बीच आबाद एक गांव में मौजूद हूं। यहां के बासियों ने कच्ची मिट्टी के खूबसूरत घर बना रखे हैं। सारा जंगल है यहां और यहां पे पक्के घर तामीर करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं यहां दाद देता हूं इन लोगों को जो कि इधर रहते हुए इन्होंने जंगल में मंगल बनाया हुआ है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, ये इनका एक खूबसूरत मड हाउस है और इधर ही इन्होंने साथ में ये अपना एक किचन बनाया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो वाल्स इन्होंने लगाई हुई हैं, ये सारी सहराई लकड़ियाँ काट के बनाई हुई हैं, क्योंकि इसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे कोई पक्की चीज़, पक्की ईंटें लेके आना काफ़ी मुश्किल है। और दूसरा मसला ये होता है कि यहाँ पे सदाबहार बारिशें होती रहती हैं, जैसे अभी पाकिस्तान में बारिशों का सीज़न चल रहा है। अगर यहाँ पर ये कच्ची मिट्टी की दीवारें तामीर करते हैं तो वो दीवारें गिर जाती हैं, जिसकी वजह से इनका काफ़ी नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए इन्होंने लकड़ी की ये दीवारें खड़ी की हुई हैं। देखा जाए तो ये काफ़ी मेहनत तलब काम है। जिस बंदे ने ये मेहनत की है, जो बनाता है उसी को पता होता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ कि चाचा जी बता रहे हैं कि इनके हाथों में छाले पड़ गए हैं ये सारी मेहनत करने में। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी बाउंड्री शुरू होती है और करते कराते आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इतनी काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी बाउंड्री है, तो इसको बनाने में मेहनत दरकार होती है। ये चाचा जी खड़े हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी कैसे हैं? ठीक से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चाचा जी, आप बताएंगे कि ये आपने जो दीवार बनाई हुई है लकड़ियों की मदद से, इतनी मेहनत हुई है? बड़ी मेहनत है, पर्दा बढ़ाए से, लेकिन कहीं शायद सहूलत नहीं मिलती। जहरी सी बात है, आपका भी दिल चाहता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी दीवार हो। इधर आप सहरा में रह रहे हैं, बच्चा हर बंदा करें ना सही, बिल्कुल तू मिट्टी चाहे टोबे तू बच्चे सिर ते चाहे इतना दीवार इतना कच्चे कमरे बनाए उसे कोई सहूलत कह नहीं सारे को बाजी में हर कोई जड़ा ना देखते किया पिया ना। यहाँ पे बिजली की सहूलत है कोई शायद नहीं, ना कोई था रोड है, ना कोई कोई किस्म का भी कोई सहूलत कोई नहीं मिलती। पीने का साफ पानी मिलता है आपको यहाँ पे? हाँ, पानी बस वो कुंड का पानी है, हुकूमत ने दी है वो मेहरबानी उन्हें दी। अच्छा। और कुंड भरी करिए माशाल्लाह, वो पानी शानी बच्चे उतू पीने ये हम लकड़ी सारे उतू दूर तू कप के चाहे हथें चाले ये हम सिर्फ चौ दीवार ही पड़ी ऐसे बच्चा वास्ते बस। सही, आप यहाँ पे इस घर में कितने अरसे से क्याम पजीर हैं? इतना सी बड़ा अरसा थी गए, ये कच्चे घर गुजरे ने पे तकरीबन 20 टू 25 साल थी गए। यानी बाप दादा से आप इधर हैं? जी हां, इधर। आपके यहाँ पे अपने जानवर हैं? जी हां, जानवर हैं। अपने घर बार वो पीछे वाले छोड़ के अपने जानवरों की खातिर यहाँ रह रहे हैं? जानवर की खातिर इतना ही रहते पे हैं, मिसाल माल चाल दे पिछू सारी गुजरान भी है, धूप पे जो लोग है जेड़ा कुछ भी है इतनी बहने पे हैं, क्या करूं। चाचा जी, यहाँ पे अब सहरा है, जंगल है, आबादी नहीं है, अल्लाह ना करे घर का कोई बंदा बीमार हो जाता है तो फिर उसका इलाज वगैरह के लिए आप क्या करते हैं? बस क्या करने से, तू चाह बने मिठड़े वाली पुल पे या हेट से चाह गयो से बावलपुर चाह गयो से बड़ी तकलीफ थी, वो तू दवाई गेंदते वाल वापस इतना वाल आयो से, इतना कोई सहूलत का नहीं, ना कोई स्कूल, ना कोई था जड़ा ना अस्पताल, ना कोई डॉक्टर। अच्छा, यहाँ पे वो मोबाइल स्कूल रोही में मिले हुए हैं, आपको कोई स्कूल की सहूलत भी नहीं मिली? कोई नहीं मिली, यहाँ पे स्कूल आबाद नहीं है? नहीं आबाद है, वो मंजूरी दरख्वास्त मंजूर थी गई है लेकिन स्कूल नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला, कोई नहीं मिला। फिर बच्चे भी नहीं पढ़ते होंगे? नहीं पढ़ते, ना कोई मौलवी है कुरान वास्ते, ना कोई बच्चा पढ़ावन वास्ते। यहाँ पे आपके कितने घर आबाद हैं इस बस्ती में? इतना सी कानूनी है साल हम देख गुना 20-25 घर ने जी, बड़े सब बच्चे भी ढेर दे, लेकिन कोई सहूलत नहीं मिली था सा। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे अभी बारिशें, पाकिस्तान में काफ़ी सीज़न चल रहा है बारिशों का, आखिरी दफ़ा बारिश कब हुई है? आखिरी दफ़ा ये कल है ये बारिश, टोबे फुल हो गए हैं? टोबे फुल हैं। चलो ये भी शुक्र है कि जानवरों की चरागाह का इंतजाम हो गया है, अल्लाह तक बड़ा शुक्र है। तो जानवरों का जो दूध वगैरह होता है वो फिर लेने के लिए बाजार से आते हैं? ना ना, वो तो दूध आना नहीं था, वो दूध ले जाते हैं। और अगर आपने ज़रूरियात की चीज़ें मंगवानी हो जैसे घर की सब्जी वगैरह, तो वो कहाँ से? आप मैंने भैया क्या करूँ। सही है, आप गया तू गहना या आठ डाड़ा का राशन गहना मिठा पत्ती घ्यू सब्जी हर चाहे बस वालो जड़े मुक गई वाल गई उसे तो गहना है उसे। और जब चाचा जी बारिश ज्यादा होती होगी फिर आपको खतरा तो होता होगा कि ये कच्ची मिट्टी के जो घर हैं अल्लाह ना करिए गिर भी सकते हैं? पदार से बानन बाल भैया क्या करूँ, सच्ची सी बात है, जितने तूफान हैं जितना बारिश हैं इतने पदार से जो ना कच्चा मकान बहु मकान गिर वन तो भी तो नुकसान है, बारू कोई दीवार कहनी कोई बरांडा कहनी था मिसाल कोई सहूलत नहीं मिली।
ये बड़े हलाक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कच्ची मिट्टी की छोटी छोटी दीवारें हैं और इनका एक ओपन किचन बना हुआ है जहाँ पे ये बैठ के कुकिंग करते हैं। इसकी भी छत वगैरह नहीं है, जब बारिश वगैरह होती है तो इधर खुले मैदान में बैठ के कुकिंग करते हैं। और सामने ये इनका मड हाउस है जो बना हुआ है, कच्ची मिट्टी से बनाया है। जाहिर सी बात है अब रहने के लिए कम अज़ कम छत तो चाहिए ना, तो ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने, ये इनको ही पता होगा कि किस तरह से ये सारा मैनेज करके इन्होंने ये घर बनाया होगा और कितनी मेहनत हुई होगी। अभी मैं आपको चाचा जी बता रहे हैं, मैं भी चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये घर की जो छत है वो यहाँ की सहराई लकड़ियाँ काट कर बनाई गई है। अभी इस छत का भी ख़तरा होता है जब ज़्यादा तेज़ी से बारिश आती है या आंधी तूफान हो, तब ख़तरा होता है कि बारिश का पानी जो है वो छत से अंदर न चला आए। और यहाँ पर जो फर्श है वो भी कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। घर में ज़रूरियात की चंद चीज़ें रखी हुई हैं, आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, मौसम में बैठने के लिए कोई दरख्त वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे दरख्त वगैरह कम ही उगते हैं, तो इन्होंने ये एक छपरा सा बनाया हुआ है। ये भी सहराई लकड़ियाँ काट के इन्होंने बनाया है, एक सिर्फ बैठने का सहारा बनाया हुआ है। जब ज़्यादा दोपहर का टाइम होता है, तेज़ धूप होती है, तो इसी छपरे के अंदर ये लोग बैठते हैं। इस बस्ती में तकरीबन 15-20 घर आबाद हैं और ये सामने आप देख सकते हैं, ये एक गोपा इसको बोलते हैं, ये मेहमान खाना है गांव वालों का। जो भी मेहमान आता है गांव वालों का, इसी गोपा के अंदर मेहमान को ठहराया जाता है, उसकी खिदमत की जाती है। नाज़रीन, हमारा सफ़र अभी बाकी है। ये आप ट्रैक भी देख सकते हैं, बारिशों की वजह से ट्रैक सारा ख़राब हुआ पड़ा है। यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है पाकिस्तान में, तो ये एक बच्चा मिला है हमें। कैसे हैं भाई, ठीक है? ठीक ठाक। कहाँ से आ रहे हैं? बुढ़ियाले से। अच्छा, जाना कहाँ पे है? बुढ़ियाले से। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जानवर हैं आपके? जी हाँ। क्या भेड़े हैं, बकरियाँ, गाय हैं? गई। अच्छा अच्छा, अब बारिश कब हुई थी ये आखिरी दफ़ा? ये कल ना तो कल तो हुई है, कल 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 हुई है। कितनी हुई थी बारिश? डाटी है। अच्छा, कितनी देर बरसती रही? एक घंटा। अच्छा, फिर तो आपके मज़े हैं, टोबे शोबे फल हो गए हैं। हाँ हाँ, अभी चरागा भी जानवरों के लिए काफ़ी सारा सब्ज है, अभी तो जानवरों के मज़े हैं और आपके भी। चलें जी, माशाल्लाह। अभी देखें जी, अभी ये ट्रैक जो है वो सारा ख़राब हो गया है, पानी हर तरफ पानी नज़र आ रहा है। काफ़ी लंबा ट्रैक और हमें आगे जाना है काफ़ी दूर, वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं वहाँ की लोकेशंस, वहाँ का माहौल सारा। हमारे साथ रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी। सिर्फ बारिश ही बारिश, अभी आप देख सकते हैं ये बारिश का पानी, इतनी सारी रेत और रेत में भी इतना पानी खड़ा हुआ है, इतनी बारिशें हुई हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ बारिश का पानी है। भेड़ों के छोटे छोटे बच्चे सहरा में चरते चरते, इनको प्यास लग गई तो यहाँ पानी पीने चले आए। ट्रैक में थोड़ा सा पानी मौजूद था बारिश का, तो इन्होंने यहाँ से पानी पिया। और सामने आप देख सकते हैं ये बकरियों के छोटे छोटे मेमने जो चल रहे हैं यहाँ पे। मैं एक और लोकेशन पे पहुंचा हूं, सामने आप देख सकते हैं वो झोंपड़े से बने हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। यहाँ पे एक वाटर पॉन्ड है, लेकिन बदकिस्मती से ये खुश्क हो चुका है। उसकी मेन वजह ये है कि वो वाले रास्ते जहाँ से बारिश का पानी जाता था बंद हो चुके हैं, अब बारिश का पानी इनके अंदर नहीं जाता। और यहाँ पर एक दरबार भी मौजूद है, यहाँ पर अल्लाह वाले हैं कोई। ये एक दरबार किन का है और ये सारी क्या कहानी है, इसके पीछे क्या राज है, तो जानते हैं इस भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा भाई, मुझे ये बताएंगे कि ये जो दरबार है ये किन बाबा जी का है और क्या कहानी है और कब से है ये दरबार? ये दरबार ढेर अरसा थी रही दरबार है। अच्छा। इन दरबार तो इतना मतलब ये पारो बड़े लेला बकरी थी रही, इतना बड़े उन्हें हाथ रखे उन्हें हलाल कर दी टोबे बचना इतने बड़े ना। एक के तक मतलब वंडी बड़े सन कच्ची हाथ रखे सन तो बारिश वाले आवेंगी। यानी कि जब कैद साली हो, काफ़ी देर तक बारिशें ना हो रही हूँ, तो तब यहाँ के कोई अपना जानवर ज़िबा करते हैं जी, और अल्लाह ताला करम करते मतलब हैं। सारे सभी लोग राल देना इतना जानवर बड़े नन ते वाल बारिश आ जाऊं वाले जानवर ज़िबा करते हैं, फिर अल्लाह के करम से बारिश आ जाती है। अभी आखिरी दफा आपने कब जानवर ज़िबा किया था? कल किया, कल। अच्छा, कल किया था जी, कल एक बारिश आई हुई है, देखें। हाँ। और वो सामने जो आपने जानवर की खाल नजर आ रही है, ये मेरी उंगली की सीध में आप देखें, वो कल वाला जानवर की खाल देखें जी फ्रेंड्स, जो कल जानवर ज़िबा किया उसका सबूत, अभी खाल जो है इन्होंने ये लटकाई हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर बारिश आई थी? हाँ, बारिश बहुत आई थी, टोबे फुल थी रे, नाल वाले साथ रे, ए टोबे वाले ने बांधन हिंगा लूं टोबे पानी कहनी है, नाल वाला टोबा ओ भरया खड़े बे सारे भरया। व्यूअर, हर किसी का अपना अकीदा होता है,
तो देखें ये यहाँ के रहने वाले बासियों का अकीदा है कि जब भी कोई जानवर ज़िबा करेंगे तो अल्लाह के करम से बारिश आएगी, और कल ही इन्होंने ये जानवर ज़िबा किया है और अल्लाह ताला का करम हुआ है, बारिश आई है, उसका सबूत आप सामने देख सकती हैं। यहाँ पे ये आपको जगह गीली गीली नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे अब कोई और पानी तो आ नहीं सकता, ये कुदरती बारिशों का पानी है। वो सामने देख सकते हैं झोंपड़े, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंवे है और कंवे के अंदर पानी स्टोर है। सामने जो है ये तालाब, इसको बोलते हैं यहाँ की लोकल ज़बान में टोबा भी कहते हैं, बारिशों के कुदरती पानी से अभी ये फुल है, और सामने वो जानवर जो है वो पानी पीने के लिए आ रहे हैं। और टोबे का क्या नाम है भाई? नीवड़ाला। ये यहाँ के भाई बासी हैं, इनका अपना टोबा है। आपके इधर अपने जानवर हैं जी? क्या जानवर हैं? भेड़े हैं, गाय हैं, गाय हैं। अच्छा, कितने अरसे से रह रहे हो यहाँ पे? बहुत पहले से। कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा बारिश से ही है, बहुत गुजारा हो रहा है। और ये सामने माशाल्लाह मस्जिद है, माशाल्लाह। देखें जी यहाँ के लोगों की ये खुशकिस्मती है कि उन्होंने मेहनत से, अभी यहाँ पे तो ईंटें पक्की लेके आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये लोग जैसे इन्होंने किया मैनेज करके यहाँ पे पक्की ईंटें ले आए और मस्जिद तामीर की है, और ये लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे जो कंवा बनाया गया है आवाम की सहूलत के लिए, ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम था। तो चल के मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर व्यू क्या है, और भाई भी बैठे हुए हैं, इनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। 80 साल थे रनिंग बड़े, 80 साल पहले बनाया गया। इतना देवासी राल ने सारे खूब बढ़वाया नहीं था, मतलब टोबे ना पानी कर मौक में दे वाली खूज पानी छके ना छकते आप पीने माल को पीने, यानी जब काफी देर तक बारिशें ना हो तो तब ये जो कमे में पानी स्टोर होता है, हां स्टोर होता है, वो जानवरों और पीने के लिए लोग भरते हैं। सही है। और इसी के साथ वो भी कमा है वो जो सामने उनने पानी सटन माल पीने, मतलब अच्छा यहां से पानी निकालते हैं और उधर स्टोर करते हैं, फिर वहां से जानवर पानी पीते हैं। पाइप लगे नीचे से। सादा सी लाइफ है लोगों की, देखें सादा से कच्ची मिट्टी के घर, और उनकी छत जो है वो सहराई लकड़ियां काट के ये छत बनाई हुई है, और सामने ये सामान जो देखें अपना बिस्तर वगैरह जो होते हैं वो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं एक सेफ जगह पे, ये लकड़ियों की मदद से ये देखें इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, और इसके ऊपर अपने सामान वगैरह और बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं जी। तो दोस्तों सामने आप देखें बादल गहरे बने हुए हैं, हमारी जो रोई है जो डेजर्ट है यूं समझ लें कि वादी कश्मीर बनी हुई है। सामने चाचा जी जो हैं वो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेके जा रहे हैं, और वो उनका सामने झोंपड़ा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे इन्होंने जाके कुकिंग करनी है क्योंकि शाम होने वाली है। काफ़ी तादाद में इधर भेड़े जो हैं ये चल रही हैं, और अगर सब्ज़े की बात की जाए तो आप नीचे देखें हरा भरा सब्ज़ा, हरा भरा घास, ये सिर्फ़ और सिर्फ कमाल जो है वो बारिशों की वजह से हुआ है। तो यहाँ के बासी जो हैं वो काफ़ी खुश हैं, यहाँ पे भाई खड़े हुए हैं, इनकी बेड़े हैं, इनसे कोई ज़बानी कलामी सवाल पूछते हैं कि इनका गुजर बसर कैसा हो रहा है। कैसे हैं भाई? ठीक अल्लाह का करम। सुनाए आपके माल का गुजारा अब कैसा हो रहा है? गुजारा ठीक थी ना, पे बारिश थी दिए ते करना, बारिश ना थी वे ना वाल असा उदास रहे वे, पानी बे नाल टोबे ते पिलावना पोंदे वाल खेस बहुत परेशान थी। आज देखो बारिश बड़ी खड़ी है, बारिश आसी उम्मीद है, ते करना बारिश ना थी वे वाल नाल टोबे ते पानी पिलावना पोंदे बहुत मुश्किल आंदी बहुत थी दे, हुण बारिश आ जी हुण ता खुश है, पहिरां ई समय जा थी पानी पीना घणे थी वदन दा रौनक लगे बना। अभी आखिरी दफ़ा बारिश कब हुई थी? आखिरी कल हुई है कल। अच्छा अच्छा, हम बहुत खुश हैं। अभी देखें टाइम से जानवर जो है वो जी भर के अभी ये वापस चले जाएंगे टोबे पे। हाँ टोबे हूँ मार चार दिन राज्य हूँ घास है थी है दे पानी है, मतलब अब आप खुश हैं? खुश हैं। तो खुशी में यार हमें कोई गाना ही सुना दो। गाना यार आने लगा नहीं। कोई सुना दो, कोई सुना दो, अभी तो आप खुश हो ना। रोई दे बच्च रौनक वाले, रोई दे बच्च रौनक वाले, ठीके सावा घा आ मेरा पंद्रे सिंचणो हण ता माल वलावा, खाली भाणे याद करेनन रो रो के फराद करेनन हण ता माल वलावा। नाजरीन आपने गाय के गले में तो घंटी देखी होगी और भेड़ के गले में शायद ही देखी हो, तो आज आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे भेड़ के गले में भी घंटी बांधी हुई है। तो ये भाई से पूछते हैं कि क्या मकसद है इसका, भेड़ के गले में घंटी क्यों बांधी हुई है? आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, देखिए भेड़ चल रही है और घंटी की आवाज़ जी। तो भाई आप बताएंगे कि भेड़ के गले में घंटी क्यों बांधी हुई है? घंटी ही सब पता लाग मैंने सारा माल उठावा दे सब घंटी को सब माल घंटी की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच जाती है, ऐसे में सारे को बड़ी भेड़ी होनी सदा। सही है। नाजरीन रोही डेजर्ट में इस तरह के टिड्डे काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं, और ये तब बाहर निकलते हैं जब बारिश का मौसम हो,
तब ये बाहर निकल आते हैं। गर्मी के मौसम में ये अंदर छुप जाते हैं। देखें ये छोटे छोटे आपको होल नज़र आ रहे होंगे, ये इनके घर हैं। देखें अभी भाग के ये अपने घरों में छुप के जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और फुल इंजॉय कर रहे हैं। अभी देखें ये बाहर आ चुके हैं और भाग के अपने घर में दाखिल हो गए। ये देखें इनकी हरकत चेक करें आप, बाहर आते हैं फिर भाग के अंदर चले जाते हैं। ये छोटे छोटे सुराख इनके घर हैं। ये देखें मिट्टी निकाल रहे हैं, मतलब ये इनके नए नए घर तमीर हो रहे हैं, अभी ये अपने घर बना रहे हैं। ये देखें जी भाई की कोशिश है कि भाग के पकड़ ले बकरी के बच्चे को, लेकिन वो काबू ही नहीं आ रहा है। इतने तेज़ हैं रोही के जानवर जो होते हैं ना, ये देखें अभी फुल स्पीड में ये कोशिश कर रहा है भाई, लेकिन जो जानवर है छोटा सा देखें बकरी का बच्चा वो नहीं पकड़ने दे रहा। हाँ भाई नहीं ना पकड़ सके, थक गए हो ना आखिर, बड़े तेज़ हैं ये जानवर। यहाँ के बासी जो हैं ये अपनी मदद आपके तहत सारा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मेल नज़र आती हैं। अपने जानवरों की खातिर यहाँ पे इन्होंने बसेरा किया हुआ है। अभी देखें ये भाई जो हैं शाम के खाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, अभी आटा गूंद रहे हैं। फिर इन्होंने ये इनका एक ओपन किचन है, यहाँ पे इन्होंने रोटियाँ लगानी हैं और कुकिंग करनी है। तो इनका कुकिंग का क्या प्रोसेस है डीप डेजर्ट के अंदर रहते हुए, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ के लोगों को आग जलाने का काफ़ी मसला पेश आता है, क्योंकि यहाँ पे देखें जब बारिश का मौसम होता है, बारिश के पानी से अभी ये देखें जैसे लकड़ियाँ जो हैं वो गीली हैं, तो आग जलाने में ज़रा दुश्वारी पेश आ रही है। और भाई जो है वो फुल ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि शाम भी होने को है, शाम से पहले पहले कुकिंग भी करनी है और मौसम भी ख़राब हुआ हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं भेड़े जो हैं वो चर के बड़े आराम से बैठी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि अभी जोबन एरोही में बहारें हैं, अभी इनको सब्ज़ा काफ़ी तादाद में मिल रहा है, तो टाइम से ये अपना पेट भर के आराम से बैठी हुई हैं। यहाँ पे भाई सब्ज़ी बना रहे हैं, आज अरवी और आलू का मिक्स सालन बनाया जाएगा। और इधर जो है इनका किचन, यहाँ पे दो जगह पे आग जल रही है, वो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे रोटियाँ बनाई जाएंगी और इस साइड पर जो आग जलाई जा रही है यहाँ पर हांडी बनाएँगे। रोही चोलिस्तान का स्पेशल देसी घी, और ये अभी देख सकते हैं यहाँ पे देसी घी से ही कुकिंग की जाएगी। यहाँ पे जी चाचा जी मौजूद हैं, सामने जो इनके घर हैं वहाँ पर यश पजीर हैं, और ये चाचा जी ने कैन उठाए हुए और पानी लेने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी क्या हाल है? ठीक सर। सुनाओ चाचा जी किधर चाहिए बर्तन वगैरह? पानी भराने कितू टोबे तू? या ये सामने देखे जी ये टोबा है जिसमें बारिशों का पानी स्टोर है, और ये एक लड़का भी सामने गधे पे आ रहा है, ये भी शायद पानी लेने के लिए आ रहा है। जा जा पानी। अच्छा इतना पानी भी आप पीवण दा साफ कोई नहीं? कोई नहीं तू सही टोबे तू पींदे हो? जा जा तो जानवर भी तू पीना हर शय दे। अच्छा गुजारे क्यों चले बिन माल दे? बस गुजारे शुक्र है दादा पानी की मजबूरी है। शुक्र है शुक्र है। Yeah.